आप सब। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब मम्मी के घर मायके, और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। बट कमी रही है रहने वाली है कि उस व्लॉग में आपको मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि उस व्लॉग में आपको एक ट्रेवल व्लॉग है ये, और हरिद्वार का टूर, हरिद्वार ऋषिकेश का टूर आपको देखने को मिलेगा। और हरिद्वार तक है, हरिद्वार तक ही जाएंगे तफरी मारने। तो ये जाएंगे और इनके कुछ दोस्त, तो वो व्लॉग आपको देखने को मिलेगा इसमें, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरा तो मिलना जुलाना होता ही रहता है। बोलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं वहां पर जा रहा हूं। ये डायरेक्ट तो आना ही आना, मैं वहां पर जा रहा हूँ। तो फाइनली आज ये वहां पर जा रहा है, तो ये आज जाएंगे, कल आएंगे, तो तब तक मैं वहां रहूंगी। और आप लोग व्लॉग को जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आओ, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आगे तक व्लॉग शुरू करूंगा, आगे का मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मैं जान लग रहा हूँ हरिद्वार, और सोनिया छोटी है इसके घर, यानी कि ससुराल छोटी है, ससुराल नहीं मायके में छोटी है, ठीक है। और अभी मैं निकला है यहाँ से, तो दोस्तों के पास जाना रहूँ, वो मेरे वेट में, और आगे जैसा होगा हाल रास्ता बताया जाएगा। तो चलो चलेंगे मित्रों के पास। हाँ तो भाई, यहाँ पे हम दोस्त सारे इकट्ठे हो लिए थे और हम निकल लिए थे हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार जान लग रहे थे। और मैं बीच में व्लॉग थोड़ा सा ना शूट कर पाया, क्योंकि गांव में थे, और ये थोड़े से मेरे खास दोस्त हैं, और इनकी गले मैं निकल लिया हूँ हरिद्वार की तरफ। और रास्ते में थोड़ा थोड़ा बहुत हमने जाम मिला था, ज़्यादा कोई जाम नहीं था, लगभग लगभग खुला ही था। हाँ, पर हम जब हरिद्वार पहुँचने वाले थे, तो जो अपोजिट साइड थी, जो आने वाले बंदे थे, तो वह उस टाइम पर ज़बरदस्त जाम था। ये लगा लो कि जो बंदा आया होगा वो फंस के आया होगा वहाँ पर। तो इसलिए फिर आगे बताऊँगा कि हम किस टाइम निकले, और आप भी अगर जाते हो दो दिन के लिए, प्रोग्राम बनाते हो, तो आप किस टाइम वहाँ से निकलो। तो चलो चलेंगे आगे, रास्ता दिखाते हैं थकते। तो भाई सुबह का टाइम कितने बज गया है? 7 बज गए होंगे ना, सुबह का 7 बज गए हैं। रात में 7 बजे पहुँचे थे, अभी हम लग रहे हैं तू अच्छा कुछ मिनट भी सुबह सुबह हरिद्वार में है। हरकीपौड़ी के पास में एक होटल है गंगा एम्पोरियम है शायद, वो दिखाऊंगा वो भी। और अभी हम जान लग रहे हैं, ये मेरे मित्र हैं भाई, और एक कमरे में पड़ा रहेगा, एक कमरे पड़ा है मेरे पे, पूरे फोन लग रहा है। तो दिखाते हो और दोबारा का थोड़ा सा थोड़ी सी मार्केट है अभी जो खुल रही होगी, मॉर्निंग मॉर्निंग जैसे जो खुल रही होगी दिखाते हैं। चलो है भाई हरकीपौड़ी, जहाँ से हम जा रहे थे ऊपर से, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि हरकीपौड़ी ऊपर से कैसे दिखती है। तो ये हरकीपौड़ी है भाई, देखो भीड़ थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, श्रद्धालु पूरे थे, बहुत थे। तो देखो लो नज़ारा हरकीपौड़ी का। सुन क्या तो रहा है, मैं सुन हो रहा है कती। सोच बड़ा मजा नहीं आ रहा यार।
भाई यहाँ पे है ना एक चीज मन को बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है ना बिल्कुल हरकी पौड़ी के बीच में जो जगह है ना लेफ्ट में, वहाँ पे गोलगप्पे वाले खड़े होते हैं और वो गोलगप्पे ना इतने इतने टेस्टी इतने गजब के बनाते हैं कि यार मतलब हर जगह के ना टेस्ट भूल जाओगे। ठीक है, तो हमने तो भाई दब के बहुत बहुत खाए हैं, बहुत दब के खाए और पूरा इंजॉय किया ट्रिप को। तो आप भी देखो क्या हो रहा है ट्रिप में आगे। वापस जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह और है, आगे कहते हैं उसको घाट, वहाँ पर रुकेंगे, कैन भरेंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे। अरे संजय संजय जो कर रहे हैं बड़ा कितने देख काम देख इसके देखो कर घर बड़ा पार्किंग के पास में भाई ये शॉप, रास्ते में चल रही देखू सरदार पर आ रहे पानी पूनी देने ना तू क्या रुपए के भाई रोटिया ये वाली है 120 की। अरे बड़े वाली कितने की भाई? चीज ले छोटी ले तो तेरी गुलाब की चीज ले छोटी ले होंगी जो कर यार ये एक नंबर की ये दो लेनी है भाई क्या की ला के बता किस चीज की है वैसे कितने की है पक्की बात है वो लोग एक चुप देख लिया फिर है भाई हम भी बाद में काली पड़ती है वाली भी खुद इसकी नंबर नाम आके दे यार काली पड़ता पे थोड़ी देर ना ना नाम ये साइकिल कितने की है ये ये मोटरसाइकिल सामने वाली इसे पिस्टल है हैं पिस्टल है तांबे में वो साइकिल कितने की है ये ले लो भाई फिर देखे पता कौन सी लेनी तने डिजाइनिंग लेनी मैं ना सेम तेरे से पप्पा ले ले ये सेम हां ये तो ठीक है थोड़ा गड़ देने लगा
एक यो, यो इसके होती है। यो कितने का भाई? ये वाला 80 का है। इसमें क्या है? कितनी हो जाए तो बैठ के करा देख ले। और श्रीमंत ले लेना। हां ले लेंगे, मैं दे दूंगा इसके ऊपर लेपने हैं जरा। यहाँ दोस्तों फिर हम निकलते हैं वापस दिल्ली की तरफ। और रास्ते में क्या, लेफ्ट हैंड साइड को अर्की पौड़ी है और राइट हैंड साइड पे एक नया घाट बना है जिसका नाम है चंडी घाट, जो कि बहुत ही अच्छा साफ सुथरा और मतलब कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी वो बनाया। वहाँ जाते हैं क्योंकि हमें भरना था कैनों में जल, हम जल लेने के लिए वहाँ जाते हैं। और बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप जाते हैं हरिद्वार तो वापस आने के लिए आप ना तो शाम का टाइम चुनो ना बिल्कुल सुबह का चुनो, आप वहाँ से निकलने का टाइम चुनो 1 से 2 बजे का, जिससे कि आपको जाम नहीं मिलेगा। अगर आप शाम को निकलते हो तो जाम मिलेगा बहुत बढ़िया वाला, ज़बरदस्त वाला, जिससे कि आप आते हुए परेशान हो जाओगे। हम वहाँ से 2 बजे निकले थे घर की तरफ और हम शाम को 7 बजे के आसपास हम दिल्ली पहुँच गए थे। तो दोस्तों अगर जाते हो तो जाने के लिए तो मैंने टाइम बता ही दिया है। हम आते टाइम भी हम 2 बजे निकले थे और यहाँ से वापस हरिद्वार से वापस आए तो भी हम 2 बजे निकले हैं। तो आगे चलते हैं चंडी घाट पे। ये है भाई चंडी घाट, नया बना है जी, लग गया सच बताऊँ, भीड़ नहीं कती, जल देखो कती ये देखो कती साफ जल है। और ये भी हरिद्वार में ही है, चंडी घाट नया बना है और सब सीधा पानी आ रहा है भाई। वो भी दिखा दिया था और ये घाट भी देख लो, चंडी घाट है बहुत प्यारा सुथरा साफ पानी है, पानी नहीं सॉरी जल है। पर मैं यहाँ नहाने के मूड में बन गया, मैं दोबारा से वहाँ पे नहा के थे हालांकि हम, और दोबारा फिर यहीं नहाएंगे। तो भाई चंडी घाट पे हम नहा धो के निकलते हैं वापस दिल्ली के लिए और यहाँ से हमारी होती है जर्नी ख़त्म। दिल्ली पहुँच जाते हैं हम शाम को 7 बजे के आसपास और आराम से हमारी बोध यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, अच्छे से स्नान किए। और मैं वही कहूँगा भाई, अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके राइट हैंड साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।